मंडी जिला से बाहरी राज्यों को जाने आने वाले लोग जिला में वापसी पर अब क्वारंटाइन में नहीं रहेंगे, बशर्त है वे बाहरी राज्यों में आते जाते हुए कोरोना से बचाव को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतें। ये जानकारी उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने दी। उन्होंने मंडी जिला के सभी लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हिदायतों का पालन करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मंडी से बाहर जाए वे अपना बचाव सुनिश्चित करे ताकि किसी भी तरीके से वे इस बीमारी से संक्रमित ना हो और ना ही अपने साथ इस बीमारी को लेकर आए। इसके लिए लोग मास्क पहन कर रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार हाथों को अच्छी तरह से धोएं, मिलते समय उपयुक्त दूरी बनाए रखें और अपना काम निपटाकर सुरक्षित वापस जिला में आए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार यदि लोग स्वयं सुरक्षित रहेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में मंडी से बाहर जाकर वापस जिला में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मंडी से बाहर जाते हुए और वापिस आते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुरक्षित वापिस आए और अपने परिवार व साथियों को भी सुरक्षित रखें। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला में स्कूल भवनों में बनाए गए क्वारंटाइन केंद्रों को चरणबद्ध ढंग से खाली किया जा रहा है। 29 मई दोपहर तक सभी स्कूलों में क्वारंटाइन केंद्रों को खाली कर दिया जाएगा और आने वाले दिनों में जिन स्कूलों में लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, उपमंडल स्तर पर गठित टीमों की निगरानी में उन सभी स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज भी किया जाएगा और उसके बाद स्कूल को पुनः SMC और उनके प्रधानाचार्यों को सौंप दिया जाएगा। जिला मंडी में जो महाराष्ट्र और गुजरात से लोग आए हैं ट्रेन के माध्यम से, वो अब तक जो हमारे पास 3 ट्रेन आई थी महाराष्ट्र से, जिसमें कि पहली ट्रेन मुंबई से आई थी उसमें 104 लोग थे, उसके बाद में पुणे से ट्रेन आई थी जिसमें कि 63 लोग थे और एक ट्रेन थाने से आई थी जिसमें 67 लोग थे। ये कुल मिलाकर 234 लोग थे जिनकी हमने सभी की आते ही उनके टेस्ट ले लिए थे और इसमें कुल मिलाकर सिर्फ 5 लोग पॉजिटिव निकले थे। इन सभी को जो हमारे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स हैं वहां पर या नियर चौक हॉस्पिटल है वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है और वहां पर अभी वो उनका जो है उपचार चला हुआ है। इसके साथ ही जो हमारे पास गुजरात से ट्रेन आई थी उसमें 82 लोग थे, उन सबके भी सैंपल्स अगले दिन ही पिकअप कर दिए थे जब यहां पर वो पहुंचे थे और उनके सभी के सैंपल्स भी निगेटिव आए हैं। जिन भी लोगों से इतने जितने भी लोग हैं इनकी जितने भी सैंपल्स हमने जो जल्दी उठाए हैं उनके अभी सैंपल्स दोबारा उठेंगे। जिनके भी सैंपल्स हमने 5 दिन से पहले उठाए हैं उनके सैंपल्स 6-7 दिन बाद फिर से उठेंगे और वो सैंपल्स भी अगर उनके नेगेटिव आते हैं उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाएगा। आज सुबह तक जिला मंडी में पिछले 1 महीने में 11,200 लोग बाहर के राज्य से वापस मंडी आए हैं। इनमें से लगभग 7,400 लोगों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, 14 दिन का पीरियड पूरा हो चुका है और लगभग 3,700 लोग ऐसे हैं जो कि आज के दिन में क्वारंटाइन में हैं। ये दोनों प्रकार के क्वारंटाइन में है, होम क्वारंटाइन में भी और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में। इन 3,700 लोगों में से 900 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है और बाकी लोग होम क्वारंटाइन। जितने भी लोग ये क्वारंटाइन में हमने रखे हैं, जो भी स्कूल्स में थे उन सभी स्कूल्स को हमने चरणबद्ध तरीके से खाली करने का एक योजना बनाई थी, वो हमारी सक्सेसफुली चल रही है और अगले कल 29 मई के दोपहर तक हमारे सभी स्कूल्स क्वारंटाइन सेंटर्स वहां के जो सेटअप किए हैं वो खाली कर देंगे ताकि, और आने वाले 2 दिनों में उसका सैनिटाइजेशन किया जाएगा जिसके लिए डेडिकेटेड टीम्स SDMs ने अपने अपने स्तर पे गठित की है। जितने भी स्कूल्स को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है वहां पर पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन किया जाएगा और वो स्कूल्स प्रिंसिपल को SMC को फिर से हैंडओवर की जाएगी ताकि जब भी सरकार फैसला ले स्कूल्स शुरू करने के लिए वो स्कूल्स वहां पर उपलब्ध रहे।